नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं उन लोगों के लिए जानकारी मैं लेके आया हूं एल एजेंट को लेकर और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ई पेमेंट जो कि सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य हुआ है लगभग लगभग हर एक राज्य और जिला स्तर पर काम समाप्ति के दौर में है और बहुत जगह समाप्त हो गया है कुछ ही जगह कार्य अभी शेष बचे हुए हैं लेकिन यहाँ पे पेमेंट को लेकर काफ़ी इशू आ रही है साथ ही साथ जितने भी इन्वेटर हैं वे लोग भी परेशान कर रहे हैं अब नहीं मानेंगे मेरा खुद का था तो पिछले महीने लगभग मैं अपना हिसाब बनाया था तो पैंतीस के आसपास में जा रहा था लेकिन अभी तक केवल 1900 का ही पेमेंट आया है तो इस तरह से बहुत सारे इशू हैं लोगों के सातवीं आर्थिक जनगणना को लेकर तो इसी के संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली आ जाना होगा गैजेट्स अपडेट हिंदी डॉट कॉम के आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट खुल के आ जाएगी यानी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लोग कि एल आई सी पॉलिसी सेल सर्विस स्टार्टेड इन डिजिटल सेवा पोर्टल इसके अलावा जिनका पोर्टल एक्टिवेट हो गया है जो पात्र हैं एल आई सी माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है इसके संबंध में सी के सी डॉक्टर दिनेश त्यागी द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है और सर्टिफिकेट का लोगो भी दिखाया गया है इसी आर्टिकल पोस्ट में नीचे उसको लॉन्ग करेंगे तो उस सर्टिफिकेट का उस सर्टिफिकेट का डिटेल भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर रहेंगे दिनेश त्यागी सर ने इसे जारी सर्टिफिकेट का लुक कुछ ऐसा है अगर आपका पोर्टल सफलतापूर्वक लॉग इन होकर खुल जा रहा है तो आप लोग भी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर पाएंगे और आप भी माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल कर पाएंगे और ऊपर उसको लॉन्ग कर लेना है यहाँ पे कैसे क्या करना है संबंधी जानकारी मैंने ऑलरेडी इसी आर्टिकल पोस्ट में दे रखा है और इसके संबंध में सी की तरफ से एक नई वेबसाइट भी जारी की गई है जो कि आप लोग इस वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सी सी क्लाउड का लिंक खुल के आ जाएगा आप लोगों को अपना डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉग इन कर लेना होगा लॉग इन अगर आपका सफलतापूर्वक हो जा रहा है तो आप लोग माइक्रो माइक्रो इंश्योरेंस प्लान को बेच सकते हैं यहाँ पे रहेंगे न्यू भाग्यलक्ष्मी न्यू जीवन मंगल और माइक्रो बचत यहाँ पे तीन पॉलिसी अभी फिलहाल में दिए जा रहे हैं सी एस की तरफ से आप चाहें तो इसे सेल करके अच्छा खासा कमीशन भी पा सकते हैं और इसके अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा अब हम लोग बात करेंगे लोग सातवीं आर्थिक जनगणना को लेकर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सी एस हैं जिनका अभी तक आधे से भी कम का पेमेंट आया हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं इशू हुआ है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात पहले बता दूँ कि क्या आपका पाँच हज़ार रुपये सातवीं आर्थिक जनगणना ट्रेनिंग के लिए दिया गया है वे आपको मिला है या नहीं मिला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सी हैं जिनको अभी तक ट्रेनिंग का पैसा भी नहीं मिला है जो कि पाँच हज़ार मिला है और मुझे भी मिला है बाकी लोगों को भी मिला है अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और यहाँ पे जो पेमेंट रुक रही है क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी बात किया तो वहाँ से यही जानकारी मिली कि सी का पेमेंट मिलेगा लेकिन कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है पिछले महीने भी मिल सकता है या फिर अगले महीने भी मिल सकता है लेकिन मिलेगा अभी भी किसी का कंप्लीट पेमेंट नहीं मिला है इकोनॉमिक सेंसस का जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे भी लगातार लोग अपना कमेंट या फिर सवाल पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजर से तो वहाँ पे कोई भी सटीक जवाब भी नहीं मिला है कि कोई कब तक मिलेगा क्योंकि कोई एक डेट जारी हो जाती है कि इस तारीख को इकोनॉमिक सेंसस का पैसा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो नीचे हम लोग के काम किए हैं एनूमरेटर उनको संतावना दे सकते कि इस तारीख तक आप वेट कीजिए पेमेंट आएगा तो मिल जाएगा कुछ समस्या लॉकडाउन की वजह से भी हो सकती है कि लोगों का पेमेंट न मिलने का कारण हो सकता है लेकिन पेमेंट मिलेगा लेकिन कब मिलेगा ये नहीं बताया जा सकता है यही जानकारी मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिली है आप लोग इंतज़ार कीजिए कितना दिन वेट कर लिए कुछ दिन का और इंतजार कीजिए इकोनॉमिक सेंसर का पेमेंट भी आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा इसके अलावा ऐसे यूजर्स जिन्होंने गैजेट्स अपडेट हिंदी डॉट कॉम की आधिकारिक वेबसाइट का नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं लिया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सी एस सी के संबंधित या फिर केंद्र राज्य सरकार के संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पे मिलता रहता है इसके अलावा गैजेट्स के भी संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी जल्द ही एक नया आर्टिकल पोस्ट आएगा दिवाली ऑफर के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से कौन सा प्रोडक्ट सबसे सस्ता रहेगा आपके लिए उसके भी संबंधित में जल्दी एक आर्टिकल पोस्ट आप लोगों को देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग उच्चतम क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट सस्ते दामों में खरीद सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो थैंक्स जय हिंद वंदे मातरम